से स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल टेक्निकल शॉप में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बहुत सारे लोग अपने एक से अधिक फ़ोन पे अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, या जैसे मैं अपना फ़ोन पे अकाउंट बना लिए और मान लिए वो फ़ोन नंबर जो है सो खो गया है, तो वैसे में वे अपना जो अकाउंट है सो फ़ोन पे अकाउंट डिलीट करना चाहते हैं। तो किस प्रकार से अपना फ़ोन पे अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं, आज के वीडियो में हम पूरा बताएंगे। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहेगा, पूरा स्टेप बाई स्टेप बताएंगे, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। उससे पहले जो फ्रेंड हमारे चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे। सबसे पहले तो आप अपना यहाँ पर फ़ोनपे ओपन कीजिएगा। फ़ोनपे जैसे ओपन कीजिएगा, उसके बाद आपको एक ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क्स जैसा एक ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा यहाँ पे कॉर्नर पर, देखिए यहाँ पे। तो इस वाले पर सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए एक ऐसा हेल्प यहाँ पे हेल्प आ जाएगा, और एक ऐसा वेट थोड़ा सर्च लेगा। लोडिंग लेने के बाद एक ऐसा नेक्स्ट इंटरफेस आएगा। इंटरफेस आने का देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, प्रोफाइल सेक्शन। इस प्रोफाइल सेक्शन वाले को जो दिखाई देगा, इस प्रोफाइल सेक्शन वाले पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे उसका देखिए आपको यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए पूछेगा। तो आपका जो मन, जैसे इंग्लिश है तो आप इंग्लिश या अपना हिंदी में आकर अपने अनुसार कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ करने के बाद देखिए यहाँ पर देखिए माई फोन पे प्रोफाइल दिखाई देगा, फर्स्ट ऑप्शन जो है इस फर्स्ट वाले ऑप्शन पर सिंपली क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए सबसे लास्ट में एक दिखाई देगा, माई फोन पे अकाउंट डिटेल्स, इस वाले पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे अगर आप यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे इंग्लिश में ये सब आएगा। अगर आप हिंदी कीजिएगा तो हिंदी में लिखिएगा, तो आप अपने अनुसार कर लीजिएगा। आपका जो आपका भाषा अच्छा लगे, जैसे इंग्लिश आपका अच्छा है तो इंग्लिश में आप पढ़ लीजिएगा, नहीं तो आप हिंदी में पढ़ लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेगा, एक बता रहा है टेम्प्रोरी डीएक्टिवेट, यानी अपना जो आप फ़ोनपे अकाउंट है उसको कुछ दिन के लिए, जैसे आप यूज नहीं करना चाहते हैं एक दो मंथ के लिए, तो आप इसको टेम्प्रोरी सेकंड वाले ऑप्शन इससे कर सकते हैं। मान लिया आपका फ़ोन नंबर डिलीट, आपका जो फ़ोन नंबर था जिस नंबर से आप बनाए थे वो आपका नंबर जो खो गया है, या आप इसको परमानेंटली किसी भी कारणवश मान लीजिए इसको सब दिन के लिए आप बंद करना चाहते हैं अकाउंट को, तो इस वाले जो ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन पर सिंपली परमानेंटली डिलीटिंग माई फोन पे अकाउंट, ये वाले ऑप्शन जो है थर्ड नंबर पे, इस वाले पर सिंपली क्लिक करेंगे। उसके बाद लोडिंग लेने वाले कैसे इंटरफेस है, उसका देखिए यहाँ पे आपको चार रीजन देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे फर्स्ट रीजन है आई वॉन्ट टू चेंज माई फ़ोन पे मोबाइल नंबर, यानी जैसे कि मेरा मोबाइल नंबर जो है सो मैं चेंज कर लिया हूँ जिसके कारण। सेकंड में है आई एम शेयरिंग माई सिम कार्ड, यानी कि आपका जो सिम कार्ड है मान लीजिए खो गया है वगैरह। और यहाँ पे है आई हैव एन अदर फ़ोन पे अकाउंट, यानी कि मेरा यानी कि इसका मतलब यह है कि हम अपना दूसरा फ़ोन पे अकाउंट बना लिए हैं। और चौथा में है लास्ट की आई एम नॉट हैप्पी विथ फ़ोन पे, यानी मैं फ़ोन पे की यूज नहीं करना चाहता हूँ, यानी हम फ़ोन पे से हैप्पी खुश नहीं है। तो आप कोई भी रीज़न दे दीजिएगा। तो चलिए जैसे हम दे देते हैं फर्स्ट ही। तो चलिए जैसे में हमें फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, जैसे इस पर क्लिक करेंगे उस पर देखिए यहाँ पे इसका गाइडलाइन है उसको पढ़ लीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे बता रहा है कि जैसे मैं आपके फ़ोन पे वैलेट में अगर कुछ वैलेट में अगर आपके पास मनी है यानी कि पैसा है, तो जो पैसा है उसको आप ट्रांसफ़र कर लीजिएगा अपने अकाउंट में वगैरह, नहीं तो जो है सो बेकार में मुफ्त में चला जाएगा, कोई काम का नहीं रहेगा। उसके बाद बोल रहा है कि आपका KYC जो है, आप अगर KYC किए हैं वो KYC है सो अब जब अपना परमानेंटली डिलीट कीजिएगा तो सब KYC वगैरह है वो सब आपका सब ख़त्म हो जाएगा। इतना करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे देगा, लास्ट में स्क्रॉल कीजिएगा था डीएक्टिवेट फ़ोन पे अकाउंट, जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद थोड़ा लोडिंग लेगा, वेट करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ का ऐसा इंटरफेस आएगा, देखिए उसके बाद अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिएगा। आपको दोबारा कन्फर्मेशन के लिए इस प्रकार चैटिंग के रूप में आपसे पूछेगा, तो उसके बाद आप अपने अनुसार यहाँ पे
जो जो पूछेगा वहाँ पर अपने सर आप करते जाइएगा। उसके बाद आपको 24 हावर्स के टाइम लगेगा, 24 हावर्स के अंदर में आपका फ़ोन पे जो अकाउंट है, 48 हावर्स, 48 घंटे के अंदर में आपका जो फ़ोन पे अकाउंट है उसको परमानेंटली डिलीट कर दिया जाएगा। और आपके फ़ोन नंबर के पे एसएमएस के माध्यम से बता दिया जाएगा कि आपका ऐप फ़ोन नंबर है, मतलब जो आपका फ़ोन पे अकाउंट है वो डिलीट हुआ या नहीं हुआ। अगर मान लिया कि कोई कारणवश डिलीट नहीं भी हुआ तो एसएमएस के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो चलिए, आपको आशा करता हूँ कि वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड कमेंट बता दीजिएगा वीडियो कैसा लगा। चलिए, बाय।